पहले फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड जो एनसीईआरटी में साइंटिस्ट दिए हुए हैं उनको कर लेते हैं, पहले ये वाले 3 कर लेंगे और फिर ये वाले 2 कर लेंगे। अब ये वाले 3 साथ में क्यों लिखे हैं, क्योंकि तीनों जे 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 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो इनको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो तो डायरेक्टली याद कर लेना, और मैं थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगा, वो आपको अच्छी लगे तो वो फॉलो कर लेना, ठीक है। सबसे पहले है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या बताया, अब इसको कैसे याद रखना है। देखो प्रीस्ट क्या होता है, प्रीस्ट क्या होता है, पुजारी या मौलवी या पादरी कुछ भी बोलो, है ना। प्रीस्ट के भगवान के साथ सीधे रिलेशन होते हैं, मतलब ये बहुत पावरफुल होता है, प्रीस्ट बहुत पावरफुल होता है, तो ये हवाओं को मोड़ सकता है। हवा मतलब एयर को याद रखना है। तो इसने क्या किया था, इसेंशियल रोल ऑफ एयर फॉर प्लांट ग्रोथ ये बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है जैन इंगेन हाउस। इसको कैसे याद रखना है, हाउस को पकड़ना है, हाउस वर्ड को पकड़ना है। अब देखो घर कैसा होना चाहिए, हवादार, हवादार मतलब घर में खुली ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो इसने क्या बताया था, शोज दैट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वर्ड को पकड़ना है। अब नेक्स्ट है जूलियस बोनसेक्स। इसने क्या बताया था, देखो इसमें जूली को पकड़ना है, जूली, जूलियस में से जूली को पकड़ना है। तो जो जूली है वो बहुत खाना खाती है, तो खाना वर्ड को पकड़ना है, खाना मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज इज मेड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट अपना फूड बनाता है, इस बात को पकड़ना है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टी डब्ल्यू एंगलमैन। इसने क्या बताया था, देखो यहां पे एंगल को पकड़ना है, एंगल, एंगल किसमें होते हैं, हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं एंगल किसमें होते हैं, बहुत सारे प्रिज्म में होते हैं, तो इसमें प्रिज्म को पकड़ना है, ठीक है, इसमें प्रिज्म को पकड़ना है। लास्ट है कॉर्न बोन नील। इसने क्या बताया था, देखो इसमें मैं पकड़ता हूं इस कॉर्न वर्ड को, मैं पकड़ता हूं इस कॉर्न को, आपने हरियाणवी या राजस्थानी में सुना होगा ना कोनी, कोनी मतलब नहीं, है ना, कोनी मतलब ये कहना चाहता है कि लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस कोनी होवे, कोनी होवे मतलब नहीं होवे, कोन मतलब कोनी, लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस कोनी होवे, है ना, राजस्थानी या हरियाणवी है वो समझ गए होंगे, कोनी मतलब नहीं होगी, ठीक है। क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का कलर येलो ग्रीन, कैरोटीन्स का कलर येलो ऑरेंज एंड जेंथोफिल्स का कलर येलो। अब इनको याद कैसे करें, देखो सिंपल सी ट्रिक है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी मतलब देखो क्लोरोफिल ए मतलब ए, क्लोरोफिल बी मतलब बी, और सी मतलब कैरोटीन। जेंथोफिल के लिए अलग से बताऊंगा, पहले ए बी सी, क्लियर है। अब देखो ट्रिक क्या है, विबग्योर, विबग्योर ब्लू से शुरू करना है, ए बी सी, ए बी सी मतलब क्लोरोफिल ए का कलर क्या है ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का कलर क्या है ग्रीन येलो या येलो ग्रीन एक ही बात है, और कैरोटीन्स का कलर क्या है येलो ऑरेंज। अब लास्ट में बचता है जेंथोफिल्स होते हैं येलो कलर के। तो आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, कोई भी ग्राफ है दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, उससे याद हो सकता है एक्स वाई, ठीक है, जेंथोफिल होंगे येलो कलर के। देखो ये एक गमला है और ये गमले में एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है। अब इस पौधे को जीने के लिए क्या चाहिए, देखो हम गमले में क्या करते हैं, हम गमले में पानी डालते हैं, हम गमले में डेली पानी डालते हैं, और क्या करते हैं, इस गमले को हम धूप में रखते हैं, इस गमले को हम धूप में रखते हैं ताकि ये जिंदा रहे, जिंदा रहे, ठीक है। मतलब इतनी बात पता चल रही है कि सनलाइट और पानी की हेल्प से ये पौधा अपना खाना बना पा रहे हैं, ये पौधा अपना खाना बना पा रहे हैं। तो सनलाइट, लाइट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, लाइट के लिए वर्ड यूज करते हैं फोटो, और फोटो से क्या बना रहा है, खाना बना रहा है, मतलब फूड की सिंथेसिस कर रहा है, फूड की सिंथेसिस कर रहा है, तो इसीलिए चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये सनलाइट पड़ेगी यहां लीव्स पे, ये सनलाइट यहां ऐसे लीव्स पे पड़ रही है, और जो ये हमने गमले में पानी डाला था ये ऐसे लीव्स तक पहुंच गया, ये पानी ऐसे लीव्स तक पहुंच गया, मतलब एक बात तो क्लियर है कि लीव में पत्ते में ऐसा कुछ हो रहा है कि जिससे लाइट और पानी का यूज करके ये खाना बना पा रहे हैं। अब एक पत्ते को इधर ये जूम करके देख लेते हैं कि एक पत्ते में ऐसा क्या हो रहा है कि लाइट और पानी का यूज करके ये पौधा अपना खाना बना पा रहा है। तो एक पत्ते को जब हमने जूम किया तो उसमें हमें क्या मिला, पत्ते में क्या होता है, सिंपल सी बात है क्लोरोप्लास्ट, ये हमें मिला एक पत्ते में क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब हमने झांक के देखा तो हमें क्या मिला, थाइलाकोइड, ये एक थाइलाकोइड है,
ये दूसरा थाइलाकोइड है, ये तीसरा थाइलाकोइड है, ऐसे ऐसे देखो, ये एक थाइलाकोइड, ये दूसरा थाइलाकोइड, ये तीसरा थाइलाकोइड, और ऐसी ऐसी थाइलाकोइड की बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम। ऐसे ऐसे थाइलाकोइड की बिल्डिंग को हम बोलते हैं ग्रैनम। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसी ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों बिल्डिंग को, मतलब ये एक ग्रैना है, ये दूसरा ग्रैना, ये तीसरा ग्रैना, अब इन ग्रैना को आपस में भी क्या जोड़ता है, थाइलाकोइड। इनको आपस में भी क्या जोड़ता है, थाइलाकोइड, है ना, ठीक है। अब देखो ये था क्या, ये था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, ये थाइलाकोइड है सारे, और जो एक खाली स्पेस बचा इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक है। अब देखो हमें थाइलाकोइड ठीक ठीक अगर देखें तो दो टाइप के दिख रहे हैं, एक तो जो बिल्डिंग में अटैच है, ये वाले भी बिल्डिंग में है, ये वाले भी बिल्डिंग में, और एक थाइलाकोइड है जो बिल्डिंग में अटैच नहीं है, जो स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं अकेले अकेले। तो जो बिल्डिंग में अटैच है, जो ग्रेना में अटैच है, उनको बोल देंगे ग्रेनल थाइलाकोइड, और जो स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं उनको बोल देंगे स्ट्रोमल थाइलाकोइड, है ना, ग्रेनल थाइलाकोइड, स्ट्रोमल थाइलाकोइड। अब इस फ्लो को पूरा समझो, देखो ये था प्लांट, प्लांट में क्या है, ये लीव है, लीव के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थाइलाकोइड्स है, थाइलाकोइड्स के बाहर क्लोरोप्लास्ट में जो स्पेस बचा उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रोमा बोल रहे हैं, ठीक है। और एक थाइलाकोइड को अगर देखें तो ये हो जाएगी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन, और थाइलाकोइड के अंदर के स्पेस को, थाइलाकोइड के अंदर के स्पेस को हम बोल देंगे थाइलाकोइड का ल्यूमन, थाइलाकोइड का ल्यूमन। बिल्कुल क्लियर है ये पूरा, बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस एक थाइलाकोइड को उठाते हैं, इस एक थाइलाकोइड को उठाते हैं और जूम करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो जब हमने एक थाइलाकोइड को जूम किया, ये एक थाइलाकोइड है, ये क्या हो जाएगी, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन, और अंदर क्या हो जाएगा, थाइलाकोइड का ल्यूमन, थाइलाकोइड ल्यूमन, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये एक थाइलाकोइड है, अब देखो क्या होगा, क्या होगा, इसमें मशीनगिरियां लगी होती हैं, यहां पे एक मशीनगिरी लगी हुई है, यहां पे दूसरी मशीनगिरी लगी हुई है, ठीक है। और यहां क्या था, हम पौधे को क्या दे रहे थे, सनलाइट प्रोवाइड करा दे, सनलाइट प्रोवाइड, और हमने क्या किया था, गमले में पानी डाला था, गमले में डाला था हमने पानी जो यहां पे अंदर पड़ा हुआ है, जो यहां पे ऐसे अंदर पड़ा हुआ है, बहुत सारा पानी है, H2 H2 भरे पड़े हैं, ठीक है। और ये मशीनगिरी क्या है, देखो यहां से आएगी लाइट, यहां से आएगी लाइट, और ये मशीनगिरी क्या है, इस लाइट को कैप्चर करती है ना, लाइट को कैप्चर करती है, तो इसी को हम, इसको क्या बोल देते हैं, मान लो ये फोटो सिस्टम होते हैं, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है, नाम से ही पता लग रहा है, फोटो, फोटो मतलब लाइट के लिए सिस्टम है, ठीक है। तो ये लाइट को यहां कैप्चर करेगी और ये अंदर घुसा देगी, ठीक है। ये मशीनगिरिया क्या करेगी, ये मशीनगिरी क्या करेगी, लाइट को कैप्चर करेगी और ये अंदर घुसा देगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये लाइट जब इस वॉटर के मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करेगी तो ये टूट जाएगा, वॉटर का मॉलिक्यूल टूट जाएगा। अब वॉटर का मॉलिक्यूल किसमें टूटेगा, किसमें टूटेगा, ऑक्सीजन में और एच प्लस में, ऑक्सीजन में और एच प्लस में, नॉर्मल सी बात है। अब ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तीसरी क्लास की बात है, तो आप पता चल गया ये ऑक्सीजन कहां से आई है। अब देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे वॉटर के मॉलिक्यूल हैं जो टूटेंगे, मतलब यहां पे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे एच प्लस इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे एच प्लस इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पे एक एक तरह से ऐसे समझो, इसको यहां पे एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, तो यहां पे होता है एक बुलंद दरवाजा, यहां पे होता है एक बुलंद दरवाजा। अब यहां पे बहुत सारे H प्लस हो गए तो यहां पे एक प्रेशर बिल्ड हो गया, तो यहां पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाएगा, तो ये H प्लस जो सारे H प्लस क्या है, इस बुलंद दरवाजे से बाहर जाएंगे, इस बुलंद दरवाजे से बाहर जाएंगे, और इस बुलंद दरवाजे का नाम है एटीपी सिंथेज, इस बुलंद दरवाजे का नाम है एटीपी सिंथेज। जब ये एच प्लस इस दरवाजे से बाहर जाएंगे तो एटीपी सिंथेज मतलब यहां एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, यहां होगी एनर्जी की प्रोडक्शन, ठीक है। ये एच प्लस जब बाहर जाएंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस करके जाएंगे। अब एनर्जी दो टाइप से प्रोड्यूस हो सकती है, या तो एटीपी बनेंगे या क्या बनेंगे, NADPH, या ATP बनेंगे या बनेंगे NADPH। अब देखो एनर्जी की प्रोडक्शन हुई है, अब एनर्जी के बनने को हम क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन, एनर्जी के बनने को हम बोलते हैं फोस्फो
राइलेशन, फोस्फोराइलेशन। और एनर्जी की प्रोडक्शन किस वजह से हो रही है? लाइट की वजह से। तो इसको हम बोल देंगे फोटोफोस्फोराइलेशन, फोटोफोस्फोराइलेशन, है ना। फोटो मतलब लाइट, फोस्फोराइलेशन मतलब एनर्जी बन रही है, एटीपी बन रही है, फोस्फोराइलेशन। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो क्या है, हमने अभी तक ये जो भी किया, अभी तक ये जो भी किया, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। अब एक एक लोकेशन हमें पता है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ, थाइलाकोइड में क्या हुआ, मेम्ब्रेन में क्या है, ये थाइलाकोइड ल्यूमन में क्या हुआ, पूरा पता है। अब ये एनर्जी हमारे पास बन के तैयार है। अब इस एनर्जी को देखो, यहां लाइट रिएक्शन खत्म हो चुकी है, एनर्जी बन चुकी है। अब इस एनर्जी को हम यूज करेंगे कहां? डार्क रिएक्शन में। कहां? डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन कहां होगी? स्ट्रोमा में, है ना। हमने किया था ना, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, थाइलाकोइड, और ये खाली स्पेस क्या था, स्ट्रोमा। तो यहां पे होगी डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन तीन टाइप से हो सकती है, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, दूसरी C4 साइकिल, और तीसरी कैम पाथवे। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है कि अब्सॉर्प्शन पीक PS1 के लिए कितनी है, 700 नैनोमीटर, और PS2 के लिए कितनी है, 680 नैनोमीटर। करने वाले हैं ट्रिक टू लर्न केल्विन साइकिल। देखो हमारे पास एनसीईआरटी में केल्विन साइकिल कुछ इस तरीके से दी हुई है, तो इसको याद करने के लिए एक ही सिंपल सी ट्रिक, एक सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा जिससे केल्विन साइकिल खत्म। तो अपनी ट्रिक स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सिंपल सी स्टोरी है, एक लड़की का नाम है रूबी। रूबी, तो ये रूबी की स्टोरी है। तो रूबी को जब CO2 मिलती है, ठीक है, रूबी को जब CO2 मिलती है तो वो पागल हो जाती है। रूबी को जब CO2 मिलती है तो वो पागल हो जाती है, और उसके पागलपन को रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर उसको तीन पंच लगाते हैं। रूबी को जब CO2 मिलती है वो पागल हो जाती है, और उसके पागलपन को रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर उसको तीन पंच लगाते हैं। अब तीन पंच किस लिए लगाए थे? उसको ठीक करने के लिए, मतलब उसको दोबारा नॉर्मल रूबी बनाने के लिए। तो तीन पंच लगते ही वो रीजनरेट होके नॉर्मल रूबी बन जाती है। ठीक है, अब अपनी इसी ट्रिक को हम केल्विन साइकिल पे अप्लाई करके देखते हैं। देखो रूबी को CO2 मिलती है तो वो पागल हो जाती है। रूबी मतलब राइबुलोज 1,5-बिस्फोस्फेट। रूबी को CO2 मिलती है तो वो पागल हो जाती है। CO2 मतलब कार्बोक्सिलेशन, और पागल मतलब PGL, फोस्फोग्लिसरेट। और पागलपन को रिड्यूस करने के लिए तीन पंच लगाते हैं। ठीक है, पागलपन को रिड्यूस करने के लिए तीन पंच लगाते हैं। तो फोस्फोग्लिसरेट का किया रिडक्शन। ठीक है, और तीन पंच मतलब 3P, 3 से आया ट्रायोज, और पंच के पी से आया फॉस्फेट, तो रिडक्शन के बाद बना ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है, अब तीन पंच लगते ही जो वो पागल हो गई थी तो वो रीजनरेट होके नॉर्मल रूबी बन गई। तो ट्रायोस फॉस्फेट रीजनरेट होके दोबारा बन जाएगा राइबुलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, इसमें ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि इनमें से कौन से स्टेप एनर्जी रिलेटेड है। तो बहुत सिंपल है, देखो ये है कार्बोक्सिलेशन, मतलब यहां प्लांट CO2 को कंज्यूम करता है। अब देखो प्लांट CO2 को कंज्यूम एनर्जी लगा के क्यों करेगा? कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि CO2 देख लो, ह्यूमंस रेस्पिरेट कर रहे हैं, कितनी सारी CO2 फ्री में बाहर जा रही है, और कितना पोल्यूशन कर रहे हैं हम, उससे भी कितनी सारी CO2 एनवायरमेंट में अवेलेबल है प्लांट के लिए। तो प्लांट को कोई जरूरत नहीं है CO2 कंज्यूम करने के लिए, एनर्जी का खर्चा करने की। तो यहां पे कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में एनर्जी का यूज नहीं होगा। ठीक है, और यहां जो दो स्टेप बचे, यहां पे एनर्जी का रिलेशन है। तो हमें CO2 वाले स्टेप से याद हो गया कि CO2 तो फ्री में बट रही है, तो प्लांट उसके लिए खर्चा क्यों करेगा? तो वहां एनर्जी का रिलेशन नहीं है। बाकी के दो बचे, जो रिडक्शन और रीजनरेशन, वहां पे एनर्जी का रिलेशन होगा। ठीक है, अब इसका एक लास्ट पॉइंट बच गया कि जो सुक्रोस बनता है, कि जो प्लांट फूड बनाता है, वो कहाँ से निकलेगा? इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, या इससे निकलेगा? तो देखो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, ये यहां देख लो CO2, यहां CO2 है, यहाँ पे CO2 है। तो CO2 एक हार्मफुल गैस होती है, हमें पता है CO2 एक पोल्यूटेंट है। तो हम पोल्यूटेंट के पास बैठ के खाना नहीं बनाएंगे,
पोल्यूटेंट जो CO2 है उसके पास बैठ के खाना नहीं बनाएंगे, तो CO2 से दूर जो बचा, जो CO2 के टच नहीं हो रहा, वो बचा सिर्फ ट्रायोस फॉस्फेट। तो ट्रायोस फॉस्फेट से निकाल दो सुक्रोस, ठीक है। देखो केल्विन साइकिल हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं C4 साइकिल, और इसका दूसरा नाम है H एंड स्लैक पाथवे। और C4 साइकिल किस में होगी, तो कॉमन सेंस की बात है, C4 प्लांट्स में होगी C4 साइकिल, ठीक है। अब देखो इसको समझने के लिए क्या, देखो देखो C4 प्लांट्स में दो टाइप की सेल्स होती हैं, C4 प्लांट्स में दो टाइप की सेल होती हैं, दो टाइप की सेल होती है, ठीक है। एक तो ये सेल और एक ये सेल, ये कौन सी सेल है, मिजोफिल सेल, और ये कौन सी सेल है, बंडल शीथ सेल, ठीक है। दो टाइप की सेल है C4 प्लांट्स में, एक मिजोफिल और एक बंडल शीथ सेल, क्लियर बात है। और देखो ये इनका एक तरह से जंक्शन है, ये यहां से चीजें इसमें आएंगी, फिर इधर जाएंगी, फिर इधर, इस तरीके से ये साइकिल चलेगी, क्लियर बात है। अब देखो मिजोफिल सेल में क्या होता है, मिजोफिल सेल में होता है पेप, पेप मतलब फोस्फोइनोल पाइरुवेट, और फोस्फोइनोल पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, तीन कार्बन होते हैं, तीन कार्बन। और इसमें क्या होता है, बंडल शीथ सेल में क्या होता है, रुबिस्को, इसमें क्या होता है, रुबिस्को, रुबिस्को तो पता है ना, हमने किया था C3 साइकिल में, क्लियर बात है। अब देखो ये बाहर क्या है, एनवायरमेंट है, बाहर है एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट से क्या आएगी, CO2, CO2 है ना, हम भी रिलीज कर रहे हैं, गाड़ियां प्रदूषण हो रहा है वहां से भी, तो ये CO2 इस प्लांट के अंदर आ जाएगी, ये यहां पे CO2 आ चुकी है। अब क्या होगा, अब ये CO2 इसके साथ बाइंड कर जाएगी, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, पेपकेज, ये पेप है तो पेपकेज, पेपकेज, ठीक है, पेपकेज की एंजाइम में इसके साथ ये बाइंड कर गई, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि C4 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, ये CO2 को एक्सेप्ट किसने किया, पेप ने किया, तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है फोस्फोइनोल पाइरुवेट, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, जो C3 साइकिल में क्या था, RUBP, RUBP था ना वहां पे, यहां पे क्या है, ये है, ठीक है। अब देखो यहां पे कार्बन में, ये CO2 में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और पेप में कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, ठीक है, यहां पे एक कार्बन, ये तीन कार्बन, तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे, फोर कार्बन का एसिड बना देंगे, ये कंबाइन करके बना देंगे फोर कार्बन का एसिड। अब ये फोर कार्बन का एसिड बंडल शीथ सेल में ट्रांसफर कर जाएगा, ये फोर कार्बन का एसिड यहां पहुंच गया, ये फोर कार्बन का एसिड इसमें पहुंच गया। अब क्या होगा, इस चार कार्बन के एसिड से, चार कार्बन के एसिड से CO2 निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी, और ये CO2 कहां जाएगी, बिल्कुल सेम वो केल्विन साइकिल हमने जो की थी C3 साइकिल में, और C3 साइकिल के जरिए ये प्लांट अपना खाना बना लेगा। अब यहां से इसमें से एक कार्बन निकल चुका है, CO2 निकल चुकी है, मतलब एक कार्बन निकल चुका है, तो इसमें कितने कार्बन बचेंगे, यहां तीन कार्बन बचेंगे, और ये बन जाएगा तीन कार्बन का एसिड। अब ये तीन कार्बन का एसिड इसमें ट्रांसफर कर जाएगा, तो यहां क्या पहुंचा, तीन कार्बन का एसिड, और ये तीन कार्बन का एसिड ये तीन कार्बन के फोस्फोइनोल पाइरुवेट को बना देगा, तो है ठीक है, तीन कार्बन इसमें, तीन कार्बन इसमें, ये इसको बना देगा, और फिर से नई CO2 आएगी, और ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। अब कुछ टर्म आती है, वो कैसे करनी है, देखो अब यहां पे करेंगे हम फिक्सेशन, फिक्सेशन की बात करें, CO2 फिक्सेशन, तो देखने से ही पता लग रहा है कि CO2 फिक्सेशन क्या हुई है, यहां CO2 पेप के साथ फिक्स हो गई, ये हो गया फिक्सेशन स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड आता है डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन तो देखने से ही पता लग रहा है ये CO2 इसमें से अलग हुई है, तो ये स्टेप क्या होगा, ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। और एक वर्ड यहां पे आएगा रीजनरेशन, तो रीजनरेशन किसकी होनी है, पेप की, तो देखो यहां पेप खत्म हो चुका था, पेप यहां बना ये खत्म हो चुका था, तो यहां से पेप दोबारा बना इस स्टेप में, तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, रीजनरेशन, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो कैम प्लांट्स के बारे में ज्यादा फालतू आपको याद नहीं रखना, इतना सा याद रखना कि कैम प्लांट वाटर कंजर्वेशन के लिए अच्छे होते हैं, वाटर बचा के रखते हैं, उसके बारे में ज्यादा कुछ NCERT में दिया हुआ नहीं है, फालतू करना मत, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे। देखो हमने केल्विन साइकिल में किया था कि नॉर्मली C3 प्लांट्स में क्या होता है,
RUBP जो कि एक 5-कार्बन कंपाउंड है वो CO2 के साथ कंबाइन कर जाएगा, और CO2 में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। तो ये कंबाइन करके क्या बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल किसके बनाएंगे, फॉस्फोग्लिसरेट के। अब 1 फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन 6 कार्बन अपने इक्वल हो गए। ये तो है अपनी नॉर्मल कंडीशन जो अभी तक हमने की, ठीक है। बट फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, RUBP के साथ जहां CO2 कंबाइन करनी थी वहां पे ऑक्सीजन कंबाइन कर जाती है, ऑक्सीजन, ठीक है। RUBP सेम रहेगा, 5 कार्बन का कंपाउंड, ऑक्सीजन में कोई भी कार्बन नहीं है, ठीक है। अब बनेगा क्या, एक तो बन जाएगा यही फॉस्फोग्लिसरेट जो है 3 कार्बन का कंपाउंड, और बच कितने गए, अब 2 कार्बन बच गए। तो यहां पे एक 2 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये है सिंपल फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का प्लांट को नुकसान ही नुकसान है, चाहे एनर्जी के नजरिए से देखो, चाहे फूड बनने के नजरिए से देखो, हर तरीके से ये प्लांट का नुकसान करेगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि C4 प्लांट में, यहां पे हम C3 प्लांट की बात कर रहे थे, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो फोटो रेस्पिरेशन होने का कारण क्या था, रीजन क्या था, कि यहां पे अगर CO2 अवेलेबल होती, O2 की जगह ज्यादा CO2 होती तो ये नहीं होती, है ना। तो ये इनके पास C4 प्लांट के पास एक ऐसी मैकेनिज्म होती है कि वो CO2 की कमी होने ही नहीं देते, मतलब ऑक्सीजन का नंबर वो आने ही नहीं देंगे, एंजाइमेटिक साइट पे CO2 की कमी बिल्कुल भी होने ही नहीं देंगे, ठीक है। इतनी सी सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखो इसको आप पढ़ लेना, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल आप स्कूल में थे, आप एग्जाम देते थे, है ना, आपके कई एग्जाम होते थे, हिंदी का होता था, इंग्लिश का होता था, साइंस का होता था, सोशल साइंस का होता था, कई सारे एग्जाम होते थे। तो ये लॉ सिंपली ये बोलता है कि आप उन 4-5 एग्जाम में से अगर एक एग्जाम में भी अगर फेल हो गए तो आपकी पूरी क्लास फेल मानी जाएगी। तो ये क्या कहना चाहता है कि फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय, ठीक है, जैसे लाइट, टेंपरेचर, CO2, वाटर, इनसे फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है। अब ये क्या बोलना चाहता है कि अगर टेंपरेचर में, खाली टेंपरेचर में भी गड़बड़ी आ जाए और बाकी तीनों चीजें सही रहें तो भी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगी। अब इनको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले लाइट कैसे अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। देखो एट, जैसे जैसे NCERT में लिखा हुआ है, पूरा कॉपी पेस्ट है ये। देखो एट लो लाइट इंटेंसिटी, लीनियर रिलेशनशिप, देखो ये है लाइट इंटेंसिटी, ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या है, जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होती जाएगी, पर एट हाई लाइट इंटेंसिटी क्या होगा, डू नॉट फोटोसिंथेसिस डू नॉट इंक्रीज फर्दर, ठीक है। उसका एक तरह से लिमिट आ गई, यहां से आगे फिर इंक्रीज नहीं कर पाएगी, यहां पे फिर कांस्टेंट हो गई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसमें एक NCERT में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि लाइट की सैचुरेशन कब आती है, 10% ऑफ फुल सनलाइट, ठीक है, 10% ऑफ फुल सनलाइट पे लाइट की सैचुरेशन आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, NCERT में लिखी हुई है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है NCERT की कि अगर आप बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा लाइट प्लांट को दे दोगे, हद से ज्यादा लाइट प्लांट को दे दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके क्लोरोफिल वो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएंगे, एक तरह से लगा लो नुकसान हो जाएगा, कुछ सिस्टम ही टूट जाएगा प्लांट का, ठीक है। तो क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब लाइट के बाद नेक्स्ट फैक्टर है टेंपरेचर। टेंपरेचर में जैसे जैसे NCERT में लिखा हुआ है वैसे वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो अब दो रिएक्शन होती है हमारे पास, एक डार्क रिएक्शन एक लाइट रिएक्शन। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो टेंपरेचर कंट्रोल्ड होती है। क्यों होती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में एंजाइम का लेना देना होता है, एंजाइम की वजह से टेंपरेचर से अफेक्ट होती है डार्क रिएक्शन। बट जो लाइट रिएक्शन है उसमें एंजाइम का इतना लेना देना नहीं है, इसीलिए ये टेंपरेचर से कम अफेक्ट होती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, जो कि ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो टेंपरेट प्लांट्स के कंपैरिजन में हायर टेंपरेचर टॉलरेट करते हैं, मतलब जो इनका ऑप्टिमम लेवल है टेंपरेचर का वो ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए हाईर है, ठीक है। अब टेंपरेचर के बाद है फैक्टर वाटर, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझो, NCERT का फ्लो है पूरा। देखो प्लांट में वाटर की कमी हुई, मतलब वाटर की स्ट्रेस हुई, वाटर स्ट्रेस में क्या होगा, स्टोमेटा का क्लोजर हो जाएगा, स्टोमेटा प्लांट के बंद हो जाएंगे। अगर स्टोमेटा प्लांट के बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, प्लांट जो CO2 बाहर से ले रहा था वो कम हो जाएगी ना, प्लांट CO2 नहीं ले पाएगा। तो CO2 नहीं ले पाएगा तो क्या है, फोटो
फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगी, CO2 डिक्रीज तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज, क्योंकि केल्विन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना CO2 वाला। अब नेक्स्ट है CO2, CO2 कैसे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी। तो सबसे पहली लाइन तो इसमें एनसीईआरटी में लिखे हुए कि C3 एंड C4 प्लांट्स रिस्पोंड डिफरेंटली, CO2 के लिए C3 एंड C4 प्लांट डिफरेंटली रिस्पोंड करते हैं। तो सबसे पहला केस है एट लो लाइट, लो लाइट पे क्या होगा, CO2 के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते, C3 एंड C4 प्लांट दोनों ही लो लाइट कंडीशन पे हाई CO2 के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। अब सेकंड केस है एट हाई लाइट इंटेंसिटी, इस पे क्या होगा, अगर आप एट हाई लाइट इंटेंसिटी पे अगर आप CO2 बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी दोनों के लिए, C3 के लिए भी C4 के लिए भी। पर यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि CO2 सैचुरेशन जो है वो C4 प्लांट के लिए है 360 और C3 के लिए है 450। मतलब कहना क्या चाहता है कि CO2 का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो C3 प्लांट के लिए ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए CO2 इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर C3 प्लांट्स, नॉट फॉर C4। इनका तो कम है, ये कम में ही सैचुरेट हो जाएंगे, पर इनको ज्यादा CO2 चाहिए, इसीलिए इनके लिए C3 प्लांट के लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है।